पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेद की कांडव शाखा की ईशावास्योपनिषद, इस पर हम लोग भाष्य और टीका के अनुसार विचार कर रहे हैं। मंत्रों का विचार तो पूरा हो गया। आरंभ के जो 18 मंत्र हैं, आरंभ के 18 मंत्रों में, 8 मंत्रों में शुरुआत के, उसमें द्वितीय मंत्र को छोड़ करके ज्ञान का प्रतिपादन हुआ। इसके बाद 3 मंत्रों में कर्म और उपासना का समुच्चय, और इसके बाद 12, 13, 14 इन 3 मंत्रों में व्याकृत उपासना, अव्याकृत उपासना, इनका समुच्चय दिखाया गया। और इसके बाद उपासक उपासक की प्रार्थना, उपासक अंत समय में किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं उपास्य से, ये भी दिखा दिया गया। अब यहाँ थोड़ा सा कुछ विचार विषय की स्पष्टता के लिए, कि समुच्चय से मुक्ति नहीं है बल्कि ज्ञान से ही मुक्ति है, इस बात को अच्छी तरह से हो जाए, स्पष्ट हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए इसमें पेज नंबर 64 पे चलेगा। पहले टीका देखिए। मंत्रान पदसो व्याख्याय संक्षेपतो विचारम आरभते। मंत्रों की तो एक एक पद की व्याख्या करके, पदशः एक एक पद की व्याख्या कर दी। संक्षेप में अब विचार आरंभ करते, थोड़ा विषय स्पष्ट रहे, भाई साधन के विषय में जो है संशय न हो अथवा विपरीत ज्ञान न हो, इसके लिए विचार आरंभ कर रहे हैं। भाष्य में देखिए, अविद्या मृत्यु तीर्त्वा तीर्त्वा इत्यादि ना। भाष्य में देखिए चतुर्थ पंक्ति, पेज नंबर 64। अविद्या मृत्यु तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। नई वाली पुस्तक में तो पहले ही होगा, ये थोड़ा पुरानी पुस्तक में, क्योंकि नई पुस्तक का भी बता देता हूँ पेज नंबर, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा। उसमें पेज नंबर है ए वही 48। तो अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा बताया गया। और बताया गया कि, यानी मतलब समुच्चय दिखाया गया, विद्या और अविद्या दो शब्द है। अविनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। विनाश के द्वारा मृत्यु को पार करके संभूति प्रकृति की उपासना से अमृतम अश्नुते, अमृत की अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है। इति श्रुत्वा केचित् संशयम् कुर्वन्ति। इस तरह से श्रवण करके कुछ लोग संशय करते हैं। तो हम लोगों ने जो अर्थ बताया है या दे दिए टिप्पणी में, इत्यस्य अस्मदार्थ अस्मद अर्थम अस्मद भाषितम आकर्ण्य। हमने जो अर्थ बताया उसको सुन करके कुछ लोग संशय करते हैं, संशय करते हैं। हाँ, कि 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए कि किमत्र तत्व ज्ञानम विद्या शब्दार्थो अन्यद्वा। मतलब यहाँ जो मंत्र में विद्या शब्द आया उसका अर्थ तत्व ज्ञान लेना है कि कुछ दूसरा लेना है, इसको लेकर के संशय करते हैं।
अतस्त निराकरणार्थ करणार्थम संक्षेपतो विचारणाम करिष्यामः। उस संशय की निवृत्ति के लिए, साधक को संशय नहीं होना चाहिए, खतरनाक स्थिति है ये, संशयात्मा विनश्यति, इसलिए उस संशय की निवृत्ति के लिए संक्षेप में विचार हम करेंगे, विचार बताएंगे। तत्र तावत किम निमित्ता संशय, तो सबसे पहले संशय किस निमित्तक होता है, किसको लेकर के संशय हो रहा है, इति उच्यते, इस बात को बताते हैं। विद्या शब्देन मुख्या परमात्म विद्यैव कस्मात् न गृह्यते अमृतत्वं च। वे लोग ये संशय करते हैं कि विद्या और अविद्या दोनों का जो समुच्चय बताया गया, तो विद्या शब्द से मुख्य जो परमात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या, उसको क्यों नहीं लेते आप, और अमृतत्व शब्द, अमृतत्व जो सुना गया इन मंत्रों में, यहाँ मुख्य अमृतत्व को क्यों नहीं, मुक्ति को क्यों नहीं लेते आप, आपेक्षिक अमृतत्व को क्यों लेते हो, निरपेक्ष अमृतत्व मुक्ति को लो, सदा के लिए जो रहने वाली मुक्ति उसको लेना चाहिए। तो फिर ऐसा जो है वो लोग संशय करते हैं। त्या सिद्धांति ननु उक्ता यहाँ परमात्म विद्या यहाँ कर्मणस्य विरोधा समुच्चयानुपत्ति। फिर सिद्धांति कहेगा, सिद्धांति कर भाई हमने तो कहा है जो परमात्म विद्या है और कर्म है, इन दोनों का विरोध है। परमात्म विद्या क्या जानेगा, असंग है, चिद्रूप हूँ मैं, असंग हूँ, चिद्रूप हूँ, शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मुझ में कर्तृत्व तो नहीं, भोक्तृत्व तो नहीं। और कर्म करने के लिए तो ज्ञान होना चाहिए, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस कर्म को करूँगा, इसका फल मुझे मिलेगा, तो एकदम विपरीत बातें हैं। इसलिए परमात्म विद्या का कर्म के साथ अत्यंत विरोध होने से, अंधकार और प्रकाश के समान विरोध होने से समुच्चय दोनों का बन नहीं सकता, ऐसा सिद्धांती ने कहा। पूर्व पक्षी कह रहा, सत्यम ठीक कहते हो भाई, आपने कहा तो है, किंतु विरोधस्तु नावगम्यते, लेकिन हमें विरोध का ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों, विरोधा विरोधयो शास्त्र प्रमाणकत्वात्, विरोध और अविरोध में शास्त्र प्रमाण होता है, शास्त्र से मालूम पड़ेगा तो विरोध विरोध है कि अविरोध है, तो शास्त्र से सिद्ध होगा। कर्म का ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं हो रहा है, शास्त्रीय कर्मों का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो रहा है। तो जब ये दोनों चीजें शास्त्र से सिद्ध हो रही है, इनमें विरोध है अथवा विरोध नहीं है, यह बात भी शास्त्र से ही सिद्ध होगी। तो विरोध और अविरोध में शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र प्रमाणकत्व रहेगा, शास्त्रम प्रमाणम ययो। यथा विद्यानुष्ठानम विद्योपासनम च शास्त्र प्रमाणकम्। जैसे कर्म का अनुष्ठान और विद्या का की उपासना, मतलब सेवन, ये शास्त्र प्रमाणक है, कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा, और ज्ञान से रिते ज्ञानत न मुक्ति ज्ञाना देव तु कैवल्यम, इसलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। ये दोनों की दोनों बातें जैसे शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होती, शास्त्र प्रमाणक है, शास्त्रम प्रमाणम यस्मिन, शास्त्र जिसमें प्रमाण है, शास्त्र के द्वारा इनकी सिद्धि हो रही, तथा विरोध तद विरोधा विरोधावपी, इसी प्रकार इनके विरोध और अविरोध की सिद्धि भी शास्त्र प्रमाण से ही होगी, शास्त्र प्रमाण को छोड़ करके अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं, इसलिए शास्त्र में दिखाओ कहाँ विरोध है। उदाहरण दे रहे हैं, मीमांसा में आता है, यथा न च न हिंसा सर्वाभूतानि इति शास्त्रात् अवगमत कथम। एक वाक्य आया कि न हिंसा सर्वाभूतानि, सभी प्राणियों की हिंसा मत करे, किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, ये बात शास्त्र से ही मालूम पड़ी है, और पुनः शास्त्रेण वो बाध्यते, और शास्त्र के द्वारा किसी विशेष जगह उसको बाधित किया गया है कि नहीं इस जगह हिंसा कर सकते हो। अध्वरे पशुम हिंस्यात्, अध्वर यानी याग, याग में पशु की हिंसा करे, तो सामान्य नियम है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न करे, और विशेष कह दिए कि नहीं याग में, क्योंकि पशु याग में पशु की के माध्यम से किया जाएगा,
तो पशु याग में पशु की हिंसा करे तो सामान्य नियम, जैसे उदाहरण आता है भाई जो है वो गाड़ी जो है रास्ते में चलाना है तो लेफ्ट हैंड से ही चलाना है, लेकिन जब राष्ट्रपति आएंगे तो राइट हैंड से आते हैं, किधर राइट हैंड से भी चले जाते हैं। तो मतलब क्या है कि उनके लिए अपवाद हो गया, उनके लिए अलग से मतलब व्यवस्था हो गई कि ऐसे भी जा सकते हैं। तो एक सामान्य नियम होता है और एक विशेष नियम जिसको अपवाद बोलते हैं। अपवाद के विषय को छोड़ करके ही सामान्य नियम प्रवृत्त होता है। सामान्य लोक में भी सामान्य नियम होता है और आपातकाल के लिए एक विशेष नियम होता है। सामान्य नियम है कि आपको जो है बाजार में जाओगे, आप सामान लाओगे, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन कहीं कर्फ्यू लगा हो अथवा कुछ ये हो, जैसे कोरोना समय है तो लॉकडाउन हो गया तो आप नहीं जा सकते। तो मतलब विशेष के विषय को छोड़ करके सामान्य नियम प्रवृत्त होता है। तो सभी प्राणियों की हिंसा न करें सामान्य नियम, और विशेष नियम आ गया कि याग में पशु की हिंसा करें, यानी याग को छोड़ करके बाकी कहीं पे भी किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, ये उस सामान्य नियम का पर्यवसान हो रहा है। एवं विद्या विद्योर अपि स्यात्, तो विद्या और अविद्या में भी ऐसे ही होना चाहिए। कहीं कहा गया है विरोध है, लेकिन यहां तो नहीं कहा गया, यहां तो सीधे सीधे बता रहे कि दोनों को करो, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम भयम सह सह, जो विद्या और अविद्या दोनों का साथ में अनुष्ठान करता है। तो शास्त्र के द्वारा ही दोनों का समुच्चय विधान किया गया है, इसलिए कोई विरोध वाली बात नहीं है, ऐसा वो पूर्व पक्षी कहता है। इसलिए कुल मिलाकर के हमारा सिद्धांत यह है कि विद्या कर्मणोश्च समुच्चयो, या इसके बाद क्वेश्चन मार्क कर देना जिस पुस्तक में ना हो, क्योंकि यहाँ पूर्व पक्षी पूरा हुआ। इसलिए हमारा यही सिद्धांत है कि विद्या, देखो 3 नंबर टिप्पणी में इसीलिए दे दी, एवं अविरोधे सति सिद्धम अभिष्ट अभिष्टम पूर्व पक्षी स्पष्ट यति, पूर्व पक्षी स्पष्ट कर दिया कि विद्या और कर्म का समुच्चय है। अत्र चकार से तथा च सति, इस तरह से ऐसा होने पर विद्या और कर्म का समुच्चय सिद्ध होता है, ज्ञान और कर्म का समुच्चय सिद्ध होता है, ऐसा उसने अपनी बात रखी। अब सिद्धांती उसका खंडन करेगा, ना ऐसा मत कहो, पहले टीका में देख लीजिए, उसका अवतरण दे रहे शास्त्रीययोर 64 पे अंतिम पंक्ति, शास्त्रीययोर ज्ञान कर्मणोर विरोधा विरोधो शास्त्रीयावयव ग्राह्यो, शास्त्री जो शास्त्र में सिद्ध जो ज्ञान कर्म, शास्त्र में वर्णित ज्ञान और कर्म का विरोध और अविरोध, शास्त्रीयो ग्राह्यो, शास्त्री ही लेना चाहिए, शास्त्र में जैसा कहा गया वैसा ही लेना चाहिए, न तर्क मात्रेणेति, केवल युक्ति से तर्क मात्र से ऐसा नहीं लेना चाहिए, शास्त्र में होना चाहिए, वो दिखाना पड़े। इति परेण उक्ते, इस तरह से पूर्व पक्षी ने सिद्धांती को कहा, भाई शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा जो है आपको चलना पड़ेगा, मनमानी जो है ऐसे थोड़ी चल सकते हो। जैसा आप यहाँ तो देखो बता रहे हैं कि विद्या और अविद्या का समुच्चय होता है, तो ऐसे उसको लो जैसा शास्त्र में कह रहे, आप अपनी तरफ से तर्क लगा रहे हो। इस तरह से पूर्व पक्षी ने परेण उक्ते, पर यानी पूर्व पक्षी के द्वारा कहे जाने पर, सिद्धांती शास्त्र सिद्ध एवं विरोध इत्याह, सिद्धांती कह रहा है भाई देखो ज्ञान और कर्म में जो विरोध है, कोई मैं तर्क से नहीं सिद्ध कर रहा हूँ, शास्त्र सिद्ध ही विरोध है दोनों का। हमारी तरफ से विरोध नहीं कि हम तर्क से सिद्ध कर ले रहे, शास्त्र में आया है, तो इसी को दिखा रहे। न इत्याह न ऐसा, आप आ जाइए भाष्य में, न दूर में ते इति, न ऐसा मत कहो कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय होगा, क्योंकि तो दोनों में विरोध है। दूर में ते विपरीते विसूची अविद्या च विद्येति ज्ञाता, दूर में ते ये दोनों बहुत दूर है, यानी बहुत विपरीत है, अत्यंत विरुद्ध है, विसूची विपरीत बहुत अधिक विपरीत है,
ये दोनों विसूची, विसूची मतलब विरुद्ध, विषु विपरीतौ सूची मार्गौ ययो अथवा फल, दोनों विपरीत फल वाले, अत्यंत विरुद्ध फल वाले, एक जो है संसार को देता है और एक मुक्ति को देता है। कौन कौन? बोले अविद्या याचे विद्येति ज्ञाता, जिसको मनीषियों ने अविद्या और विद्या इस शब्द से, इस रूप से जाना है, ये दोनों अत्यंत विपरीत है, विरुद्ध फल वाले हैं। इति श्रुते है, ऐसा कठोपनिषद में आया है, इसीलिए ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों का समुच्चय हो जाएगा। मनमाने थोड़ी समुच्चय हो जाता है। टीका में देख लीजिए, मंत्र का अर्थ थोड़ा सा दिए। विसूची मतलब नाना गति, नाना भिन्न फल वाले हैं। विद्या विद्ये दूरम विपरीते अतिशयन विरुद्ध है, इत्यर्थ अत्यधिक विरुद्ध है विद्या और अविद्या, अत्यधिक इनमें विरोध है, इसलिए समुच्चय नहीं बन सकता। फिर पूर्व पक्षी भी आ गया, अरे भाई यहाँ भी तो कहा गया है, आप कठोपनिषद ही देख रहे हो, ईशावास से सामने यहाँ की भी तो बात कर लो। विद्याम चा विद्याम चेति वचनाद अविरोध इति चेत, बोले यहाँ भी तो आया विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सह, ऐसा वचन आया इसलिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्षी ने इति चेत, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे सिद्धांतिकरण, ना ऐसा मत मत कहो, हेतु स्वरूप फल विरोधात्, तो कर्म और ज्ञान का हेतु भी विरुद्ध है, अलग अलग है, इन दोनों का स्वरूप भी अलग अलग है और इन दोनों का फल भी विरुद्ध है, विरोध है। हेतु भी विरुद्ध है, स्वरूप भी विरुद्ध है और फल भी विरुद्ध है, तो बताओ समुच्चय कैसे होगा। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा 4 नंबर टिप्पणी में देखना जरूरी है। वो 4 नंबर टिप्पणी में देखो, दिखाए है पूरी तरह से, हेतु स्वरूप फल विरोधादिति तत्र आत्मनि कर्तृत्वादि अध्यासो अर्थित्वादिकं च विद्याया हेतु। अविद्या ने कर्म का हेतु क्या है? आत्मा में कर्तृत्वादि का अध्यास, मैं करता हूं ऐसा जो व्यक्ति जानेगा वही कर्म करेगा, और अर्थित्वादि फल की चा अर्थी होगा, फल चाहेगा, ये अविद्या यानी कर्म का हेतु है। फल चाहेगा और अपने आप को कर्ता भोक्ता मानेगा तभी वह कर्म करेगा, तो कर्म का हेतु हो गया कर्तृत्व आदि अध्यास और अर्थित्व कामना। और विद्या का हेतु क्या है? विवेक आदि पूर्वा मुमुक्षा, विवेक आदि पूर्वक जो मुक्ति की इच्छा, तो विद्या हेतु, ये विद्या का हेतु है। इति हेतु विरोध है, तो दोनों के हेतु में विरोध हो गया। कर्म करने वाला मुक्ति थोड़ी चाहता है, मुझे मुक्ति, अरे भाई उसको स्वर्ग चाहिए वो मुक्ति चाहेगा, दोनों के देखो हेतु में विरोध हो गया। एक की मुमुक्षा हेतु है और एक में जो है कामना कर्तृत्व आदि अभ्यास, और दोनों का स्वरूप भी अलग अलग है। देखो वाक्य जन्य तत्वावगाही इंद्रियांतर चेष्टा निर्व्यपेक्षो मानस परिणाम विशेषो विद्या स्वरूपम। ज्ञान किसे कहते हैं? अखंडाकार वृत्ति, वाक्य जन्य, महावाक्य से जन्य, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों को सुनेगा तो तत्वावगाही इंद्रियांतर चेष्टा निर्व्यपेक्षो, तत्व को विषय करने वाली अन्य इंद्रियों की चेष्टा से रहित, चेष्टा की अपेक्षा नहीं करके जो मानस परिणाम हुआ, विशेष अंतःकरण की वृत्ति बनी ब्रह्म विषय का अखंडाकार वृत्ति, यही है विद्या स्वरूप। ये नहीं कि जो है तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा कहने से कोई दंड बैठक नहीं लगाना पड़ता, अन्य इंद्रियों की चेष्टा नहीं, वो शुद्ध आत्मा का बोध होता है श्रवण मनन निधि ध्यासन करके। तो अखंडाकार वृत्ति ये ज्ञान का स्वरूप, विद्या का स्वरूप है। और कर्म का स्वरूप क्या है? सर्वेन्द्रिय क्रियाघस्तु अविद्या स्वरूपम, सभी इंद्रियों के द्वारा होने वाले जो क्रिया का ओघ यानी समुदाय, हाथ से भी देखो, मुंह से भी स्वाहा स्वाहा बोलेंगे, हाथ से आहुति देंगे, है ना, सब इंद्रिय नाना प्रकार के कर्म है, परिक्रमा करेंगे, तो सभी इंद्रियों के क्रियाओं का समुदाय या विद्या का स्वरूप है। इस तरह से विद्या और अविद्या के स्वरूप में देखो अंतर, हेतु में अंतर दिखाए, स्वरूप में अंतर, अब फल देखिए, अब आगे फल, फल भी दोनों का विरुद्ध है। नित्यम सुखम विद्या फलम,
ज्ञान का फल है नित्य सुख और अनित्यम अविद्या फलम, अविद्या का कर्म का फल है अनित्य स्वर्ग आदि। इति फल विरोधस, तो फल में भी देखो विरोध हो गया। तस्माद इसीलिए हेतु स्वरूप और फल में विरोध होने से ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता। देखो ज्ञापकम ही वचनम, बोले नहीं वचन आया है, बोले देखो भाई वचन ज्ञापक होता है कारक नहीं होता। अग्नि गर्म है ये सुन करके आपको ज्ञान होगा, ये नहीं कि अग्नि गर्म है कहने से उसमें कुछ हो जाएगा। हो जाए तो अग्नि ठंडी है कह दो तो ठंडी हो जाएगी क्या? जो वस्तु जैसी है वचन से वैसा मालूम पड़ता है, इसलिए तात्पर्य को ग्रहण करना पड़ता है। विरुद्ध का समुच्चय चाहे हजार वेद आए तो भी नहीं कर सकते, है ना, विरुद्ध का समुच्चय कर नहीं पाएंगे। तो ज्ञापकम ही वचनम न तु कारकम येन विरुद्धम अपि हेत्वादिकम अविरुद्धम कुर्यात्, जिससे कि विरुद्ध भी हेतु आदि को अविरुद्ध कर दे, ऐसा नहीं होता है। वचन तो केवल वस्तु के स्वरूप को बताता है, ऐसा नहीं कुछ कर नहीं देगा। अगर कर देता तो फिर कह दो कि भाई अग्नि ठंडी है, ठंडी हो जाएगी क्या? अस्मद अर्पितार्थे नैव वचन से निराकांक्षतया, तो हमने जो तात्पर्य बताया कि वहाँ विद्या शब्द का अर्थ उपासना ले लेना, इसी से यह वचन निराकांक्ष हो गया, आकांक्षा इसकी शांत हो गई, सही अर्थ निकल गया। इसलिए त्वद अभीष्ट अर्थानापादकत्वात्, आपके अभीष्ट अर्थ का आपादक नहीं बन पाएगा यह वचन। इसलिए हेतु स्वरूप और फल में विरोध होने से ज्ञान और कर्म का समुच्चय कभी बन नहीं सकता। टीका में देखिए, अच्छा आगे भाष्य में, विद्या विद्या विरोधा विरोधयोर विकल्पा संभवात समुच्चय विधाना अविरोधा एवचीति चेत, बोले विद्या और अविद्या के विरोध और अविरोध का विकल्प, विकल्प मान लो, बोले विकल्पा संभवात समुच्चय विधान, बोले देखो विकल्प तो होगा नहीं कि एक जगह विरोध मान लो, एक जगह अविरोध मान लो, कहीं पे विरोध मान लीजिए कहीं पे अविरोध, तो विकल्प तो होगा नहीं। ऐसा जो विकल्प है, विकल्प हो नहीं सकता, मतलब सिद्ध वस्तु में विकल्प नहीं होता। जैसे कि भाई कि यहाँ पे अंधकार और प्रकाश एक साथ में नहीं रहते, लेकिन दूसरे देश में अंधकार और प्रकाश एक साथ में रहते, ऐसा नहीं कह सकते। जो वस्तु का स्वभाव है वो चाहे कहीं भी रहे, हिमालय में भी अग्नि गर्म ही रहेगी, ठंडी नहीं हो जाएगी। तो विद्या और अविद्या के विरोधा विरोध में विकल्प संभव नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध वस्तु है या तो विरोध कह सकते हो या अविरोध कह सकते हो, ये नहीं कि विरोध और अविरोध दोनों हो जाए तो विकल्प हो जाए, यहाँ विरोध हो जाए वहाँ विरोध हो जाए। इसलिए विकल्प संभव नहीं होने से, और यहाँ समुच्चय का विधान तो किया ही गया है, इसलिए अविरोध है व अविरोध ही मानना पड़ेगा। इति चेत, तो सिद्धांती इसका जवाब दे रहा है, नहीं न ऐसा मत कहो। ससंभवानुपत्ते है, एक अधिकरण में ज्ञान और कर्म दोनों हो नहीं सकते। भाई कर्म बता तो दिए कि कर्म करने के लिए कर्तृत्व बुद्धि चाहिए, और ज्ञान के लिए कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, तो एक अंतःकरण में दोनों चीजें कैसे हो सकती है? आप अहंकार भी करो और अहंकार से रहित हो जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए ससंभवानुपत्ते, साथ में दोनों एक अधिकरण में हो नहीं सकते। देखो इसको टीका में अच्छे से दिखा रहे हैं, टीका में चलिए, भगवान भाष्यकार बहुत अच्छा है यहाँ बताए, टीकाकार उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। ससंभवानुपत्ति बोल दे, साथ में हो नहीं सकते। बोले का अनुपत्ति, क्या अनुपत्ति भाई, क्यों साथ में नहीं हो सकते? काठके विरोध श्रवणात्, काठक में विरोध कठोपनिषद में अनुपत्ति क्या है? अच्छा प्रश्न कर रहे कि हाँ संग आक्षेप कर रहा है क्या अनुपत्ति है, तो ये सिद्धांत कहेगा काठक उपनिषद में, कठोपनिषद में कहा गया है, विरोध देखा बताया गया है, इसलिए अनुपत्ति है, साथ में नहीं रह सकते।
फिर बोले नहीं, तदगत विद्या विद्योर विरोधो अस्तु। बोले कठोपनिषद की विद्या और कर्म में विरोध हो जाने दो, लेकिन यहाँ वाली जो विद्या है यह तो अविरोध श्रवणात अविरोधो भविष्यति, यह लेकिन यहाँ विरोध सुना नहीं गया है, यहाँ तो अविरोध कहा गया, समुच्चय कहा गया है, इसलिए अविरोधो भविष्यति। यहाँ पे वहाँ का वहाँ भले विरोध हो जाए, यहाँ अविरोध सुने जाने से यहाँ अविरोध हो जाएगा इति। ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, सिद्धांतिकरण नच वाच्यम, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि विरोधाविरोधयो सिद्धत्वेन, विरोध और अविरोध जो है सिद्ध होने से, यानी विरोधा जो विरोध जिसमें जिन दोनों में विरोध रहता है वह अभी सिद्ध होता है। जैसे अंधकार और प्रकाश में विरोध है वो सिद्ध है, और जिनमें विरोध नहीं है जैसे कर्म और उपासना में कोई विरोध नहीं है वो भी सिद्ध है। तो विरोधा विरोधयो सिद्धत्वेन विकल्पा संभवात, विकल्प नहीं कर सकते, जहाँ विरोध है वहाँ विरोध ही रहता है। जैसे सर्प और नेवला में, नकुल नेवला, इन दोनों में विरोध है तो हर जगह विरोध ही रहता है, और जिनमें विरोध नहीं है जैसे मनुष्य गो आदि पशु के साथ में रहते हैं तो उनमें विरोध नहीं है तो विरोध ही रहता है। तो विरोध और अविरोध सिद्ध होते हैं, जिनमें सिद्ध या तो विरोधी होगा या अविरोधी होगा, इसलिए विकल्पा संभवात, विकल्प संभव नहीं होने से उदिता नुदित होमयोर ही पुरुष तंत्रत्वाद विकल्प युक्तो विकल्प। जहाँ पे जो है पुरुष कर सकता है, जैसे आप जा भी सकते हो, कहीं नहीं भी जा सकते हो, विपरीत प्रकार से जा सकते हो, वहाँ तो विकल्प हो सकता है क्योंकि वस्तु सिद्ध नहीं है, जो आपकी क्रिया से साध्य है वहाँ विकल्प हो सकता है। जैसे एक उदाहरण था, उदिते जुहोति, दूसरी जगह वाक्य आता अनुदिते जुहोति। उदित हो, उदित सूर्य के उदित होने पर होम करे कि उदय से पहले होम करे, तो वहाँ एक व्यवस्थित विकल्प किया गया, जिसकी शाखा में आया है उदिते जुहोति वह सूर्योदय होने पर होम करेगा, और जिसकी शाखा में आया है अनुदिते जुहोति सूर्योदय से पहले करेगा। तो विकल्प हो गया ना, अलग अलग लोगों के लिए व्यवस्थित विकल्प हो गया। तो क्रिया में हो सकता है किंतु सिद्ध वस्तु में विकल्प नहीं कर सकते, जहाँ विरोध सिद्ध है वो विरोध ही रहेगा, विरोध नहीं होगा। इति उक्तम, ऐसा यहाँ कॉमा कर देना। अब यहाँ पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, तरी अविरोध है वस्तु समुच्चय विधि बलात्। आप कह रहे कि या तो विरोध मानो या तो अविरोध मानो, तो भाई यहाँ तो समुच्चय का विधान किया गया, इसलिए अविरोध ही मान लो दोनों में, समुच्चय दोनों में कोई विरोध नहीं है। इति चेत सिद्धांतिकरण न, ऐसा मत कहो, विद्या मुख्य ब्रह्म विद्या विद्यो सुक्ति विद्या विद्योरिव सहसंभवान उत्पत्ति। जैसे किसी व्यक्ति को शुक्ति का ज्ञान हो गया तो शुक्ति की विद्या है, उसको रजत भ्रांति नहीं होगी, और किसी व्यक्ति को शुक्ति की अविद्या है उसको रजत की भ्रांति होती है। एक ही व्यक्ति में शुक्ति की विद्या और शुक्ति की अविद्या हो, ऐसा साथ में हो नहीं सकता। इसी प्रकार मुख्य ब्रह्म विद्या जिसमें कर्तृत्व आदि नहीं है और अविद्या यानी कर्म कर्तृत्व आदि है, इन दोनों के साथ में संभव नहीं होने से समुच्चय विधि असिद्ध, समुच्चय विधि सिद्ध नहीं है। और ब्रैकेट में दिखा रहे कि अन्योन्य आश्रय दोष होता है। सिद्धे समुच्चय विधौ तद बलाद अविरोधावगम, पहले समुच्चय का विधान सिद्ध हो तो अविरोध मान लिया जाए, और अविरोध का ज्ञान हो फिर समुच्चय माना जाए। इति अन्योन्य आश्रय, मतलब एक सिद्ध हो तो दूसरा सिद्ध हो, दूसरा सिद्ध हो तो पहला सिद्ध हो। ये उदाहरण देते कि भाई कैलाश आश्रम, किसी ने पूछा कैलाश आश्रम कहाँ है, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से किसी ने पूछा कि कैलाश आश्रम कहाँ है, बोले वो मधुबन के सामने है, मधुबन आश्रम के सामने। अच्छा मधुबन आश्रम कहाँ है, वो बोले कैलाश आश्रम के सामने है। अब बताओ व्यक्ति कहाँ से पहुँचेगा, पहले वो जाने तब इसको जाने, इसकी सिद्धि हो तब उसकी सिद्धि हो, ये अन्योन्य आश्रय दोष होता है।
समुच्चय की सिद्धि हो तो अविरोध माना जाए, अविरोध हो तब समुच्चय माना जाए, तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। क्रमेण अच्छा ससंभवान उत्पत्तो अपि क्रमेण एकाश्रय विद्या विद्येष्यातम। बोले चलो ठीक है, साथ में नहीं हो सकते हैं, तो भी क्रम से एक ही अंतःकरण में विद्या और अविद्या दोनों हो जाए। इति चेत, यदि ऐसा कहते हो तो सिद्धांति पूछ रहे, यदि पूर्व अविद्या पश्चात तो विद्या, पहले गृहस्थ आश्रम में था, कर्म करते थे, बाद में विरक्त हो गए, बहुत विवेक हुआ, साधना करके जान लिए, कर्म छूट गया, तो पहले अविद्या कर्म थी, बाद में विद्या हुई, इति क्रम तरह, इति क्रम ऐसा क्रम है, तो बोले तरी इष्यते हो। बोले ऐसा तो हम भी मानते हैं, यदि पश्चात तरी असंभव, बोले पहले ज्ञान हुआ बाद में कर्म हुआ, बोले तब तो हो ही नहीं सकता, असंभव इत्या न विद्योत्पत्तौ। भाष्य में देखिए 65 अंतिम पंक्ति, क्रमेण एकाश्रय स्याताम विद्या विद्ये इति चेत, क्रम से एक ही अंतःकरण में विद्या और अविद्या, एक ही व्यक्ति में विद्या अविद्या दोनों हो जाए इति चेत, सिद्धांति करा न ऐसा मत कहो, पहले कर्म और बाद में ज्ञान ये तो हम मान लेंगे, पहले ज्ञान बाद में कर्म ये क्रम कभी संभव नहीं हो सकता। वही बता रहे विद्योत्पत्त विद्या या ही अस्तत्वात्, विद्या की उत्पत्ति होने पे अज्ञान नष्ट हो गया, इसलिए तदाश्रय अविद्यानुपत्ति, उस अंतःकरण में अविद्या हो नहीं सकती और अविद्या का कार्य कर्म आदि भी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकती। देखो नहीं अग्नि रुष्णा प्रकाशश्च इति विज्ञानोत्पत्तम, जिसके जिसको ज्ञान हो गया, जिसके अंतःकरण में ज्ञान है कि अग्नि गर्म है, प्रकाश रूप है, ऐसे विज्ञान की उत्पत्ति होने पर यस्मिन आश्रय तदुत्पन्नम, तो जिस अंतःकरण में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है तस्मिन्नेव आश्रय, उसी आश्रय में, उसी अंतःकरण में, शीतो और अग्नि या प्रकाशो, अग्नि ठंडी है, अंधकार रूप है, इति अविद्या या उत्पत्तिर नास्ति, इस तरह से अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संशयो अज्ञानम वा, संशय की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, अज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि अग्नि गर्म है, प्रकाश रूप, उष्ण है, प्रकाश रूप है, तो ना तो उसको संशय ज्ञान हो सकता है, ना ज्ञान हो सकता है, ना विपरीत ज्ञान हो सकता है। टीका में देख लीजिए, पूर्व सिद्धाया विद्याया, पहले भाष्य की दो पंक्ति प्रमाण दे रहे, इसके बाद टीका चलेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः, आत्मैवा भूत विजानतः, तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः, जिस विज्ञान दशा में ज्ञानी के लिए विजानतः ज्ञानी पुरुषस्य सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत, सभी प्राणी उसके आत्मरूप ही हो गए, तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यतः, उस ज्ञानी के लिए, एकत्व को देखने वाले ज्ञानी के लिए क्या शोक और क्या मोह, इति शोक मोहाद्य असंभव श्रुते है, इस तरह से ज्ञानी में शोक और मोहादि का संभव नहीं हो सकता, शोक मोहादि बन नहीं सकते, ऐसी श्रुति में आई है। इसलिए जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान, संशय अथवा विपरीत ज्ञान नहीं हो सकता। अब टीका में देख लीजिए, पूर्व सिद्धाया अविद्याया प्रध्वस्तत्वात्, पूर्व सिद्ध जो अविद्या है, ज्ञान होने पर अविद्या नष्ट हो गई, अन्यस्याश्च उत्पत्तौ कारण असंभवात्, ज्ञान होने पर दूसरी कोई अविद्या की उत्पत्ति में कारण संभव नहीं है, क्यों, मूलाभावे, अब जो है कारण नहीं, दूसरी अविद्या कहाँ से उत्पन्न होगी, मूलाभावे न भ्रम संशया ग्रहणा नाम विदुषो अनुपत्ति, जब मूल अविद्या ही नहीं है तो अविद्या को लेकर के भ्रांति अथवा संशय अग्रहण ये सब भी विद्वान में संभव नहीं है। ज्ञान के द्वारा ज्ञान नष्ट हो गया तो भ्रांति नहीं, संशय नहीं, अग्रहण नहीं, तीनों चीज नहीं है। विद्योत्पत्त तो महाभूत अविद्या, चलो बोले ठीक है, ज्ञान की उत्पत्ति होने पर अज्ञान अविद्या तो नहीं रहेगी, कर्म तो भविष्यति, कर्म तो हो जाए, विदुषोपि
व्याख्यान भिक्षाटनादि दर्शनात्, क्योंकि विद्वान भी देखते हैं, शास्त्र की व्याख्या करते हैं, भिक्षा करते हैं, प्रवचन करते हैं। इसी प्रकार भले अविद्या न हो, कर्म तो बन जाए, वह भी शास्त्र ज्ञानी लोग देखो कितनी श्रुति की व्याख्यान करते हैं, कितना जो है शास्त्र लिखते हैं, भिक्षा आदि में जाते हैं, प्रवचन करते हैं। और आजकल के ज्ञानी हो तो बोले मोबाइल में भी बात करते हैं, इसलिए सब हो जाएगा। इत्याशंका है, ऐसी आशंका को उत्थापन करके सिद्धांती बता रहे कि नहीं, अविद्या संभवात, ज्ञानी में अज्ञान संभव नहीं है, इसलिए तदुपादानस्य कर्मणोपि अनुपत्ति मवोचाम। अज्ञान रूपी उपादान वाला जो कर्म, कर्म का कारण है अज्ञान, तदुपादानम सा अविद्या उपादानम कारणम यस्य कर्मण तत्कर्म तदुपादान। अविद्या मूलक जो कर्म है, जब अविद्या ही नहीं तो अविद्या मूलक कर्म भी संभव ज्ञानी में नहीं है, ये अवचाम, ऐसा हमने आरंभ में ही कह दिया है, आरंभिक उपोद्घात भाष्य में ही बता दिए थे, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो इसमें होगा। अमृतम अश्नुते इति आपेक्षिकम अमृतम विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणी। अमृतम अस्मिते, ये जो कहा गया है विद्याम च विद्याम चेस्तद वेदो भयम स अविद्या मृत्युंते तो विद्या अमृतम अश्नुते, यहाँ पे विद्या से उपासना लेना है और अमृतम अश्नुते से आपेक्षिक अमृतत्व, यानी ब्रह्मलोक में बहुत लंबे समय तक रहेंगे, इस प्रकार का अमृतत्व लेना। और अगर विद्या शब्द से यहाँ पे विद्याम च विद्याम च विद्या शब्द से परमात्म विद्या ग्रहणी, परमात्मा विद्या का ग्रहण करोगे तो विरोध होगा। क्या विरोध होगा? हिरण्मयन इत्यादिना द्वार मार्गादि याचनम अनुपन्नम, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, ये जो द्वार की प्रार्थना कर रहे, मार्ग दे दो, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, तो ज्ञान परमात्मा विद्या लोगे तो वहाँ कहीं आना जाना नहीं पड़ता। अनुपन्नम से तस्माद उपासनया समुच्चयो, इसलिए कर्म का समुच्चय उपासना के साथ में है, न परमात्म विज्ञाने न परमात्म विज्ञान से कर्म का समुच्चय नहीं है। इति यथा अस्माभिर व्याख्यात, जैसे हमने व्याख्या की है पूर्व में, वही व्याख्यात ही वही एव तदेव व्याख्यात एव मंत्राणाम अर्थ, वही मंत्रों का अर्थ है, ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं बल्कि उपासना और कर्म का समुच्चय है। इति उपरमित, इसलिए हम अब उपरमित होते हैं। टीका थोड़ी सी रह गई, अभी आप लोग उपरमित नहीं होना क्योंकि टीका बची है। चोदना प्रयुक्ता अनुष्ठानम ही कर्म, चोदना ने विधि वाक्य, विधि वाक्य जैसे ज्योतिष्टोमो स्वर्ग कामो यजेत, दर्शपूर्ण मासाभ्यम स्वर्ग कामो यजेत, ये जो विधि वाक्य है उसके द्वारा जिसका अनुष्ठान, उससे प्रेरित होकर के जिसका अनुष्ठान होता है, ऐसा जो कर्म, चोदनानुप्रयुक्तानुष्ठानम ही कर्म ज्ञानेन सह तव समुच्चिचीसितम, उस विधि के द्वारा जो कर्म बताया गया है उसका ज्ञान के साथ आपका समुच्चय जो है चाहते हो, बताना चाहते हो, ते हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मात्मकत्वम तो साक्षात अनुभवतो न चोदना संभवति, जो ब्रह्म में ब्रह्म के ब्रह्मात्म एकत्वम, जीव ब्रह्म की एकता को जो साक्षात अनुभव कर रहा है, उसके लिए कोई विधि संभव नहीं है। निस्त्रय गुण्य पथ विचरता को विधि को निषेधा, ऐसा आया है सुकाष्टक में। कामाभावत, क्योंकि उसके अंदर कोई कामना ही नहीं है, कामी के लिए सब विधियाँ हैं, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है उसके लिए विधि नहीं। कामिनो ही सर्वास चोदना, कामी पुरुष के लिए सभी विधि होती है, अकामी के लिए नहीं। अकामिन क्रिया काचित दृश्यते नेह कस्यचित, कामना से रहित कोई के अंदर कोई क्रिया नहीं देखी जाती। यद्यदि कुरुते जंतुस तत्त काम से चेष्टितम, प्राणी जो कुछ भी करता है वह कामना से जो है प्रेरित होकर के होता है, थोड़ा सा भी हाथ भी अंगुली भी हिला रहा है तो कुछ न कुछ कामना से। गहरी निद्रा में देखो कोई कामना नहीं, कोई क्रिया नहीं होती उसके अंदर।
इति स्मरणात्। इसलिए कामना रहेगी तभी विधि, ज्ञानी में कोई कामना नहीं है तो कोई विधि नहीं है। विद्वत शरीर स्थिति हेतु विद्या लेशाश्रय कर्म शेष निमित्तम तो भिक्षा विदुषो भिक्षा टनादि। और विद्वान में जो भिक्षा टनादि शास्त्र का व्याख्यान ये सब कैसे होता है, क्योंकि विद्वान का कुछ प्रारब्ध कर्म रह गया है। ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म जो है छूटे हुए बाण के समान है। इसलिए विद्वत शरीर स्थिति हेतु, विद्वान का शरीर आगे बना रहेगा, उसका हेतु अविद्या लेश, कैसे वो व्यवहार करेंगे, तो अज्ञान तो नहीं किंतु अविद्या लेश, उसका संस्कार थोड़ा अविद्या लेश आश्रय कर्म शेष निमित्तम, अविद्या लेश से जो है से आश्रित जो कर्म कर्म शेष को लेकर के विदुषो भिक्षाटनादि, विद्वान में भिक्षाटनादि बन जाएंगे। अज्ञान तो नहीं किंतु अज्ञान लेश से उसके व्यवहार को देख करके, यद्यपि ज्ञानी की दृष्टि से अज्ञान लेश नहीं माना जाता, अज्ञानी को समझाने के लिए कहा जाता है कि भाई अज्ञान तो नहीं, अज्ञान लेश है, अविद्या लेश है। न कर्म विदुषो भिक्षाटनादि न कर्म, उनका कर्म नहीं है चोदना भाव, क्योंकि वो विधि से नहीं हो रहा है, किंतु यावत प्राण प्राण शरीर संयोग भावी तत्कर्माभासम, जब तक प्राण और शरीर का संयोग है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का संयोग है, तब तक होने वाला वह कर्माभास है। कर्म जैसा लग रहा है वास्तव में नहीं है, क्यों, क्योंकि तच्च विद्वान न स्वगतम मन्यते, विद्वान अपने अंदर नहीं मानता, अपने में कुछ नहीं मानता, ये शरीर आदि की क्रिया प्राण के धर्म उन्हीं में जो है, उन अन्य के धर्म को अन्य में टिका दिया है ज्ञानी ने, वो स्वयं में नहीं मानता। अविद्यालेश मतलब उसका सूक्ष्म जो है संस्कार, जैसे अचार रख देते हैं ना, बर्तन साफ कर लो तो भी थोड़ा सा सुगंध आता है उसमें से, तो लेश जरा सा अंश, तो यही अविद्या एक लेश जो है, अविद्या का एक संस्कार, लेश यानी संस्कार। अब इसमें भी कई विकल्प करते हैं सिद्धांत लेश संग्रह में बहुत किए, मतलब एक संस्कार ले लीजिए, तो हाँ तो ये जो है हो गया। विद्वान तच्च विद्वान न स्वगतम मन्यते, विद्वान अपने में नहीं मानते वो सब भिक्षाटन आदि को। कर्माध्यासोपादाना विद्याया असंभवात, क्योंकि कर्माध्यास का उपादान अविद्या ज्ञानी में है ही नहीं, और ज्ञानी कैसा मानते, नैव किंचित करोमिति प्रत्याच, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्वित, खाते हुए चलते हुए सोते हुए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा ज्ञानी का निश्चय है, इसलिए ज्ञानी अपने में कोई कर्म नहीं देखते। यदुक्तम अमृत शब्देन मुख्यमेव अमृतत्वम किम न गृह्यते, न शब्द जो है छोटी है जिस पुस्तक में जोड़ लेना, किम न गृह्यते, जो यह कहा गया कि विद्याम अविद्या मृत्युन तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, अमृत शब्द से मुख्य अमृतत्व को क्यों ग्रहण नहीं करते, विद्या शब्देन च परमात्मा विद्या इति, विद्या शब्द से परमात्मा विद्या को ग्रहण क्यों नहीं करते, तो बता दिए ऊपर कि यहाँ अमृत शब्द से आपेक्षिक अमृतत्व को लेना है, और विद्या शब्द से परमात्मा विद्या को लोगे तो जो द्वार याचना कर रहे, मार्ग की याचना कर रहे उपासक, वो बन नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ परमात्मा विद्या नहीं ले सकते और अमृतत्व से मुख्य अमृतत्व नहीं ले सकते। देखिए यही बता रहे, मुख्यामृतत्व ग्रहणे हिरण्मयादि मंत्रेण द्वार मार्ग याचनम अनुपन्नम स्यात्, मुख्य अमृतत्व को लेंगे तो हिरण्मयन पात्रेण वो जो द्वार मार्ग की याचना करे कि द्वार दे दो मार्ग दे दो जाने के लिए, वह याचना बन नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान होने के बाद जो अमृतत्व है उसके लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ता। इसमें प्रमाण देर न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उस ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण को नहीं प्राप्त करते। अत्र ब्रह्म समस्नुते, यही पे ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेते हैं, उपाधि नष्ट हो गई, उपाधि से तादात्म्य हट गया, ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेते हैं इत्यादि श्रुते। इसलिए जहाँ जो समुच्चय बताया जा रहा है वहाँ विद्या शब्द से परमात्मा विद्या नहीं ले सकते। ततो मुख्यात बाधात गौणार्थ ग्रहणम युक्तम, इसलिए विद्या शब्द का मुख्य अर्थ
बाधित हो रहा है, इसलिए गौण अर्थ लेना, उपासना लेना। जैसे सिंहो माड़ो का बालक शेर है, वहां मुख्य अर्थ नहीं लिया जाता क्योंकि मुख्य अर्थ का बाध हो रहा है। यस्माद अर्थांतरम न संगच्छते तस्माद, इसलिए उपासना से भिन्न अर्थ ब्रह्म विद्या नहीं ले सकते वहां पे विद्या शब्द से, जहां समुच्चय दिखा रहे। इसलिए हमने जो कहा है जिसका समुच्चय होगा विद्या शब्द से, उपासना को ही लेना, परमात्म विज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होगा। ऐसा जो हमने मंत्रों का अर्थ बताया है वही मंत्र का अर्थ ठीक है, वही अर्थ ठीक है, कहीं दूसरी जगह भटक नहीं जाना इधर उधर। इस तरह से भाष्यकार भगवान अंतिम में साधक को सावधान कर दिए। आनंदगिरी टीका की अंतिम जो है मंगलाचरण देख लीजिए। ईशा प्रभृति भाष्यस्य शंकरस्य परात्मनः मंदोपकृति सिद्ध्यर्थं प्रणीतं टिप्पणं स्फुटम्। ईशा प्रवृत्ति भाष्य से, ईशा वास्य मिदम सर्वम, ईशा आदि से जो लेकर के मंत्र पे आया भाष्य, वह भाष्य शंकरस्य परात्मन, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जो रचित है। परात्मन परो आत्मा यस्मिन, जिस भाष्य में परम आत्मा परमात्मा का वर्णन किया गया है, जीव की ब्रह्म रूपता का वर्णन किया गया है, ऐसा जो भाष्य है उस भाष्य के ऊपर मैंने टिप्पणी लिख दी, टीका लिख दी है। क्यों लिख दी? मंदोपकृति सिद्ध्यर्थम, मंद पुरुषों के ऊपर उपकार करने के लिए। देखो कितनी गुड़ बातें अभी अभी आई थी। हेतु फल स्वरूप विरोधात्, हेतु स्वरूप फल विरोधात्, ये सब देखो कितना अच्छा, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ता जल्दी, बहुत ढूंढना पड़ता दिमाग से, दिमाग लगाना पड़ता। लेकिन सब देखिए टीका और टिप्पणी में दे दिए। तो मंदोपकृति सिद्ध्यर्थम, मंदों के ऊपर उपकार करने के लिए स्फुटम टिप्पणम प्रणीतम, बड़ा सुंदर जो है स्फुट स्पष्ट टिप्पण मैंने ये टीका लिख दी है, टिप्पण लिख दिया है। इस तरह से आनंदगिरी जी का इति श्री गोविंद भगव साउंड बनती है। हाँ पता नहीं, वैसे कहीं कहीं बताते जगन्नाथपुरी में रहते थे, कहीं कहाँ कहाँ के पता नहीं, ये इतना तो मालूम नहीं, ध्यान नहीं है। भगवान शंकराचार्य कुछ समय बाद ही हुए थे, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ के महात्मा थे। चलिए देखिए, इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य से श्री शंकर भगवत कृतौ वाजसने संहितोपनिषद भाष्यम संपूर्णम। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य से श्री शुद्धानंद भगवत पूज्य पाद शिष्य भगवद आनंद ज्ञान कृता वाजसने संहितोपनिषद भाष्य टीका समाप्ता। ओम तत्सत। इस तरह से शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा की ईशावासी उपनिषद का विचार आज हम लोगों ने पूरा किया। आगे कल से सामवेदी तलवकार शाखा की जो केनोपनिषद है उसका विचार कल से प्रारंभ होगा। सब लोग समय से आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर।